दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको पुराने सिक्के या फिर नोटों को सेल करने के तरीके बताए जाते हैं, ना कि हमारे चैनल आप लोगों से सिक्के या फिर नोटों को खरीदता है। हमारे चैनल आपको एक ऐसा जरिया बताता है जिसके मदद से आप अपने रेयर और एंटीक कलेक्शन, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ या फिर प्राचीन काल से जुड़ा हुआ जो एंटीक कलेक्शन है, उसको सेल कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको जरिया बताते हैं और उस जरिए के मदद से आप उसको ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन उसको सेल कर सकते हो। ये सारे प्रक्रिया हम लोग आप सभी को बताते हैं और आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद भी करते हैं, आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसी बीच आप सभी को एक चेतावनी और एक अलर्ट बोल सकते हो, या फिर आप सभी को एक ज़रूरी बातें आज बतानी है इस वीडियो में, और आपको लाइव एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा कि किस तरह से आप लोगों के साथ, यानी कि जो भी लोग आप लोग रेयर और एंटिक सिक्के या फिर नोट्स को सेल करना चाह रहे हैं, आप सभी के पास अच्छे खासे रकम का धोखा हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही सिंगल पर्सन से लाखों का धोखा हो रहा है, बस इतना आप समझ लो कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए करके एक एक लोगों से धोखाधड़ी किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, एकदम कंप्लीट आप लोग अगर कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लेते हो ना, कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोगों को हर एक चीज़ें कन्फर्म हो जाएगा और आप सभी कोई भी इस तरह की गलती दोबारा नहीं करोगे। क्योंकि ये जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आप लोगों से, कॉइन सेल या फिर नोट सेल के नाम से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, देन आपसे पैसे ले रहे हैं, तो ये सारे गलती आप लोगों का वजह से ही हो रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों, लास्ट जो हमने आज कल वीडियो पब्लिश किया था, उस वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था। उस कमेंट में उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर को लिखा था और वहाँ पर नीचे लिखा था कि आप सभी को जिसको भी पुराने सिक्के फिर नोट्स को सेल करना है, वो लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम जो है ख़रीदते हैं, हम लोग कॉइन वायर कंपनी हैं। तो मेरे तुरंत उस दिमाग में वो नंबर आ गया, दिख गया कमेंट बॉक्स में, नोटिफिकेशन आया मेरे को, तो हमने उस नंबर पे कॉल मिलाया। उसके बाद क्या क्या हुआ, एक एक चीज़ें आपको कॉल रिकॉर्डिंग के साथ समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आप सभी के पुराने सिक्के फिर नोट कौन कौन से और कितने कितने पीस है। साथ ही इस तरह के पुराने नोटों और सिक्कों के हर खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है आपको लाइक करने से। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक, ताकि जिसके पास भी पुराने सिक्के या फिर नोट है उन तक वीडियो पहुँचे और जो लोग भी सेल करना चाह रहे हैं उन तक वीडियो पहुँचे और उन्हें भी मिल सकता है लाखों रुपये बेचने के बाद। और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट तो जरूर ही कर दो कि आपके पास रेयर सिक्के और नोट्स कौन कौन से और कितने कितने पीस है, क्योंकि कमेंट आप लोग जितने ही करते हो, जो इंडिया के टॉप कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो वीडियोस के कमेंट्स चेक करते हैं और यहाँ से उनको मालूम पड़ता है कि लोगों के पास कौन से सिक्के या फिर नोट्स फिलहाल में अवेलेबल है। तो दोस्तों उस नंबर पे हमने जब कॉल किया तो जो भी चीज़ें हुआ, जो भी बातें हुआ, ये तो आपको कम्प्लीट सुनाएंगे कि किस तरह से इन लोग फ्रॉड करते हैं आप सभी के साथ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ एंटर ना करें, अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। साथ ही एक आग्रह ये भी है कि आप लोग अगर वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करते हो, कुछ भी पुराने सिक्के फिर नोट आपके पास कौन कौन से और कितने कितने हैं ये चीज़ लिखते हो, और उस कमेंट्स के रिप्लाई में अगर कोई फ्रॉड बंदे अपना नंबर देके बोलता है कि आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम लोग आपके रेयर सिक्के फिर नोट्स को ख़रीदेंगे, तो इसमें आप लोग बहुत बुरे तरह से फंसेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जेन्युइन कंपनी हो, अगर वो जेन्युइन बायर है, तो कॉइन या फिर नोट्स खरीदने के नाम पे कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं होता है, यानी कि कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे नहीं मांग सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो फ्रॉड करते हैं, ये मैक्सिमम कंपनियां फ्रॉड जो है वो कोलकाता में है। जैसे ही हमने उसको कॉल किया, उससे हमने कंप्लीट डिटेल पूछा, उससे हमने नाम पूछा तो कहाँ पे है, वो हर एक चीज़ें उसने बताया, लेकिन चाहे वो सच बताए या गलत, बट नंबर उसका कोलकाता का था ये कन्फर्म था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मेरे पीछे लास्ट टाइम भी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस तरह का फ्रॉड कॉलर, तो वो भी कोलकाता का था कहीं था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी नंबर ऐसा मिले जो कि लिखा हुआ हो कि आप लोग अपने नोट्स एंड कॉइन को सेल करना है तो मेरे पास कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, तो उसमें आप लोग बिल्कुल भी कॉल या मैसेज ना करें। क्योंकि कोई भी कॉइन बायर या फिर कॉइन जो एग्जीबिशन वाले हैं, कोई भी अपना नंबर इस तरह से पब्लिकली वो कमेंट में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा रिस्क रहता है उनके पास भी, तो इस वजह से अगर इस तरह से कोई भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल के ये दावा कर रहा है कि हम आपके नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदेंगे, तो ये बिल्कुल फेक है। आप लोग उस पर बिलीव ना करें, उसमें कॉल ना करें बिल्कुल। क्योंकि इस तरह से कई लोगों ने कमेंट मुझे ये भी किया है कि हमारे पास
जो है आपके नोट्स एंड सिक्कों को सेल करने के लिए या फिर खरीदने का नाम से हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, तो आप सभी से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप सभी के पास कभी भी इस तरह के फ्रॉड कॉलर का कॉल आता है और आप लोगों से बोलता है कि आप लोग अपना कॉइन्स का बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इतना पैसे पे करना पड़ेगा, तो आप लोग बाकायदा उसका कॉल रिकॉर्डिंग करो, पूरे फुल प्रूफ के साथ आप हमें सेंड करिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ हमारे पास प्रूफ है, फिर आपसे मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा मेल के जरिए, देन आप लोग वहाँ पर हमें सेंड करना, वो चीज़ें मैं वीडियो में लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है, ताकि और भी लोगों के साथ ऐसा कुछ भी फ्रॉड ना हो। तो ये अभी आपको बिल्कुल कॉल रिकॉर्डिंग को एंड तक वॉच करना है, सुनना है, कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा हर एक माजरा कि वो मेरे से किस तरह से बातें कर रहे हैं, देन अच्छे से बातें करता है, और एंड में जब मैं गुस्सा होता हूँ, मैं गाली गलौज भी हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि गुस्सा आती है गाली, हालांकि मैं उसको इतना, उनके अंदर डर भी नहीं होता, मैंने ये चीज़ बोला कि तुम्हारे नंबर किसी ने मेरे को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके अंदर फ्रॉड कर करके ये इतनी आदत हो गई कि उनको दर्द लगता ही नहीं है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पे उसने ये भी कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए, कुछ नहीं हुआ मेरा, ये इस तरह के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड करते हैं इन लोग, ठीक है ना, तो आप लोग इससे ज़रूर बचिए। कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर कभी ना डालें, कमेंट बस इतना ही लिखना आपका पुराने सिक्के फिर नोट कौन कौन से और कितने कितने। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को और रुख करते हैं, और कॉल रिकॉर्डिंग आप कंप्लीट सुनो, कंप्लीट सुनने के बाद आप अपना राय, और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग प्रूफ के साथ कमेंट करिए, देन आप लोग हमें, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा, देन आप लोग का वो बात, वो आवाज़ में ऑडियंस। हेलो हेलो हाँ जी सर, मेरे को ओल्ड कॉइन का नोट सेल करना था, आपने नंबर कमेंट सेक्शन में डाल के रखा था एक वीडियो का। हाँ हाँ बोलिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? अभी तो कोलकाता से बात कर रहा। कैसे खरीदेंगे सर? कोलकाता नहीं सर, कैसे खरीदेंगे, क्या प्रोसेस है? कैसे खरीदेंगे, कंपनी का लड़का जाएगा आपके पास, मतलब मुझे सेल करना है, मेरे पास है ओल्ड कॉइन्स एंड नोट, क्या करना पड़ेगा मेरे को? आपके पास जो कॉइन्स या नोट है ना, वो कंपनी का लड़का आपके पास जाएगा, ठीक है, कंपनी से आपका एड्रेस पर, ठीक है, जाने के बाद जो भी कॉइन या नोट है आपके पास, मतलब वो कौन कैसे कर लेगा सिलेक्ट कर, और जो भी रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बनेगा, तो उसमें मतलब प्रोसेसिंग है, मतलब डॉक्यूमेंट देना, जो डॉक्यूमेंट के पास उसमें जो फोटो देनी पड़ेगी। अच्छा, वो जब आएगा तब? नहीं, पहले देना पड़ेगा, कंपनी में अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने के बाद क्या क्या देना पड़ेगा? ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज दो फोटो, कंपनी को आधार कार्ड पैन कार्ड आपका दो फोटो लगेगी, दो फोटो और कुछ भी नहीं। पैसे चलिए, पैसे पैसे पेमेंट लगेगी, पेमेंट मतलब जैसे कि आपका रिटर्न होगा ना कंपनी में अटैचमेंट, मतलब जमा, तो जमा होने के बाद आपका कम्प्लीट होगा, मतलब हर चीज कम्प्लीट हो जाएगा ना कंपनी में, तो कम्प्लीट होने में एक आपको करना पड़ता है कंपनी में, मतलब एक रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, फॉर्म फिलिप करना पड़ेगा, आपके पास वो पेपर भेजी जाएगी यहाँ से, और उधर से आपको मतलब जो पेपर रहेगा ना, जो रजिस्ट्रेशन पेपर, वो आपको वहाँ से अटैचमेंट करके, मतलब जो जो उसमें रहेगा ना अटैचमेंट करके आपको हमारे पास सेंड करना, सेंड करने के बाद आपको आगे का प्रोसेसिंग कंपनी से बताई जाएगी। पेमेंट आपको ओनली 999 रूपए पेड कर ली कंपनी, 999 रूपए, यस। आपका गुड नेम क्या बताए सर? जी मेरा गुड नेम संदीप पाठक, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता ओल्ड कॉइन फोर्ट कंपनी। आपका कंपनी का नाम क्या सर? मेरा कंपनी का नाम है ओल्ड कॉइन फोर्टेल कंपनी, मतलब इंडियन कॉइन, ठीक है। आपका एड्रेस बताएंगे? हेलो क्या बोले, आपका कंपनी का एड्रेस बताएंगे आप? आप ऐसा कीजिए ना, बोलिए कि मतलब आप व्हाट्सएप पे हार्ड लिख के भेजिए, मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ, आप खुद देख लीजिए कहाँ से एड्रेस। आप बोलिए तो, मतलब बोलने में क्या दिक्कत है? आप खुद आप देख लो ना, बोलने में थोड़ा टाइम, देखिए कॉल आ रहा है ना, आप देख लो ना व्हाट्सएप पे हार्ड लिख के उनकी भेजो ना। सर मेरे पास ढेर सारा नोट कॉइन है, मेरे पास ढेर सारा ग्राहक है, मैं आपका, मैं सिर्फ अपना नहीं सेल करूंगा, आप टेंशन ना लो, आपको 10-15 कस्टमर दिला दूंगा। आप मेरे को एड्रेस तो बताओ सर। एड्रेस कोलकाता लाल बाजार कॉलेज अखबार, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, एरिया पिन कोड है 700012 है। तो आप लोग ये फर्जी कितने, मैं अपना आईडी मतलब क्या,
आप लोग ये फर्जी कितने दिन से चला रहे हो 999 का? क्या चीज फर्जी? ये जो 999 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस जो ले रहे हो, इस तरह का जो फर्जी काम कर रहे हो, ये कितने दिन से चल रहा है? ये फर्जी काम थोड़ी है। कितने दिन से चल रहा है मैं पूछ रहा हूँ? अरे फर्जी काम है, आपको कर्म करवाना काम कर रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, और ये जो आपका नंबर है, ये किसी ने कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में लेके आया है कि आपने लोगों से ढेर सारे 999, किसी से 2000 अलग अलग तरह के रुपए आपने फ्रॉड किया है। अच्छा, तो ये कितने दिन से चल रहा है? पता नहीं। ये काम करवाना है, काम करवाइए, नहीं तो आप फोन रखिए। इस काम में अकेले आप हैं या फिर पूरा टीम आपका शामिल है? कोई नहीं है। आप अकेले कर रहे हो? अभी तक कितनों का पैसा खा गए? अरे पैसा क्यों खाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी है। ये ना, अब ये नंबर जो है ना, इसका पूरा डिटेल पता चलेगा। टेंशन ना लो, तुम लोग जो कर रहे हो ये सब, मतलब जो लोगों का वीडियो के नीचे कमेंट कर करके तुम लोग जो कह रहे हो ना कॉइन बायर हैं, और लोगों से इतने पैसे जो तुम लोग ऐड रहे हो ना, तुम एड्रेस तुम प्रॉपर बताए हो नहीं या नहीं, ये भी चीजें मालूम चल जाएगा मेरे को। ये तुम्हें सही ढंग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो कॉइन बायर के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है वो कोलकाता से ही हो रहा है। ऑलरेडी मेरे पास कई कंप्लेन ऐसे आ चुके हैं विथ प्रूफ के साथ, और ये मैंने खुद तुमको कॉल किया है, और ये आगे चल के अभी तुमको जो परेशानी होगी उसके लिए तुम अलर्ट रहेंगे, ठीक है? चलो, आप उत्तर प्रदेश से क्या? क्योंकि जो ये 999, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ। आप उत्तर प्रदेश से, आप क्यों हमको झूठ बोल रहे हैं? 999, अरे भाई मेरा सिम तुम उत्तर प्रदेश का देख रहे हो ना, तुम सिम उत्तर प्रदेश का देख रहे हो इसलिए तुम बोलो ना। चलो मेरे कॉल रखी, उतना बात करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, तुम अभी तुम रुक जाओ, बस फोन रख दो। अरे रुको, तुम्हारा ऐसा नहीं सकता।